जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बने। अभी और चांसेस बचे हैं और हारी बाजी को जीतना हमें आता है। कैसे? आबरा का डाबरा, होली हुई छू। वो देखो छिपकली। किधर 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 किधर? ओह नो! अरे ये आप लोगों ने क्या कर दिया? पूरा गेम ही खराब कर दिया। इसका मतलब गेम ड्रॉ, ना तुम जीते ना हम। चीटिंग नहीं, इसे स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजी, जब दुश्मन पर विजय पाना हो तो दुश्मन को भ्रमित कर दो। नाना साहेब और तात्या टोपे ने भी ऐसा किया था। हाँ, नाना साहेब और तात्या टोपे, ये तो रानी लक्ष्मीबाई के दोस्त है ना, उन्होंने चीटिंग की थी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब तो सच स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। नाइनटीन्थ सेंचुरी में कानपुर के नजदीक बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने नाना धोंडू पंत यानी नाना साहेब को गोद लेके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और अपने गृह मंत्री के बेटे रामचंद्र पांडुरंग येवलेकर उर्फ तात्या टोपे को, जिन्हें अपनी संतान की तरह पाला था, पेशवा कुल की रणनीति और राजनीति का कार्यभार संभालने का जिम्मा सौंप दिया। हम आपको राजगद्दी नहीं जिम्मेदारी दे रहे हैं नाना, इन अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ने की जिम्मेदारी। पेशवा नाना साहेब की जय हो। पेशवा नाना साहेब की जय हो। अजीमुल्ला, तात्या, तात्या, ये रत्नजड़ी टोपी आपको रणनीति और राजनीति में कुशलता का सम्मान करने के साथ साथ ये याद दिलाने के लिए भी है कि अब आपको नाना के साथ मिलके पेशवा कुल की पगड़ी संभालनी होगी। पेशवा नाना साहेब की जय हो। तात्या टोपे की जय हो। पेशवा नाना साहेब की जय हो। तात्या टोपे की जय हो। पेशवा जी ने तो नाना साहेब को उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन पेशवा जी की मौत के बाद अंग्रेजों ने बिठूर में भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम लगा दिया। ये तो वही नियम है ना, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी सरकार गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानती थी। बिल्कुल सही बाल्टी बॉय। फिर नाना साहब ने क्या किया? उन्होंने अकल से काम लिया। अंग्रेजों से दुश्मनी करने की बजाय उनसे झूठ मूठ की दोस्ती कर ली। नाना साहेब, आपको अपने वकील अजीमुल्ला को इंग्लैंड तक भेजने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास और क्या विकल्प था? अचानक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कानून लागू करके आपने हमसे वो हक भी छीन लिया जो हमें खुद पेशवा बाजी राव ने दिया था। आप नाराज क्यों हो रहे हैं नाना साहेब? हम आपके दुश्मन नहीं है। रूल सबके लिए एक जैसे है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत पेंशन तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपने कंपनी सरकार से दोस्ती करके वफादारी का सबूत दिया है, तो कंपनी सरकार भी अपनी दोस्ती निभाएगी। ट्रस्ट मी, हमारे रहते आपको कोई कमी नहीं होगी। वफादारी पता चलेगा। दौलत हमारी, दावत हमारी, और ये अंग्रेज बात ऐसे कर रहा है जैसे दान दे रहा हो। वैसे सुना है कि आजकल ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज में कुछ नए किस्म के कारतूस आए हैं जिसके ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी है। That's not true. Why? तात्या, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। ये अफवाह आग की तरह फैल रही है, अगर उस पे काबू पाने के लिए हमारी मदद लगे तो बेझिझक कहिएगा। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही।
वो अंग्रेज साफ झूठ बोल रहा है। हमारे जासूस की खबर पक्की है। ये लोग हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे करा के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमें इनका साथ देने के बजाय अपने लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करना चाहिए। आप दोनों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी नहीं, रोटी और कमल। ये रोटी और कमल होंगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक चिन्ह। मतलब ये रोटी मां अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद है। गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, सैनिक हो या किसान, सब इसकी कीमत पहचानते हैं। ये रोटी सबको जोड़ेगी। और कमल लक्ष्मी का प्रतीक है। इन अंग्रेजों ने देश के राजाओं और जमींदारों से उनका राज्य, उनका वैभव, उनका सम्मान छीना है। ये कमल उन्हें वो सब वापस पाने के लिए प्रेरणा देगा। तरकीब तो अच्छी है, लेकिन नाना साहब ये सब होगा कैसे? अगर अंग्रेजों को इस बात की भनक पड़ गई तो हम लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। ये काम हमें बहुत ही चतुराई से करना होगा ताकि अंग्रेजों को इसकी कानों कान खबर ना पड़े। हाँ, इसलिए हम अपने संग्राम को तीर्थ यात्रा का नाम दे के देश के कोने कोने में जाएंगे। यानी वो अंग्रेज इसे सिर्फ भक्ति समझेंगे, देशभक्ति नहीं। बिल्कुल। और जब तक नाना साहब और मैं इस यात्रा पे हैं, आप बिठूर में रह के इन अंग्रेजों की छावनी पर कड़ी नजर रखिए। छोटी से छोटी गतिविधि पे भी हमारी पैनी नजर होनी चाहिए ताकि सही समय आने पे हम पूरी तरह से तैयार हों। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, स्वतंत्रता का संग्राम है। इसमें सबको साथ मिलके एक साथ एक ही समय पर वार करना होगा ताकि हमें हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली ये कंपनी सरकार खुद ही टुकड़ों में बट जाए और हम इन्हें एक ही बार में पूरी तरह हरा सके। नाना साहेब और तात्या टोपे ने कमल और रोटी के माध्यम से स्वतंत्रता का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाया और सबने मिलकर तय किया कि वो एक साथ रविवार 31 मई 1857 को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ेंगे। हमारे भाई, हमारे बचपन के साथी नाना साहेब ने हमें संदेश भेजा है। वो और तात्या टोपे इन अंग्रेजों के खिलाफ एक संग्राम की तैयारी कर रहे हैं। नाना साहब को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते पेशवा की पेंशन और बाकी अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बदला लेने के लिए नहीं है। ये स्वतंत्रता की वो लड़ाई है जिसका सपना हम सबकी आंखों में बचपन से है और अब ये सपना सच होने जा रहा है। हमें जल्द से जल्द आक्रमण की तैयारी करनी चाहिए। आक्रमण होगा और विजय भी। हमें बिठूर संदेश भेजना होगा कि झांसी 31 मई के लिए तैयार है। जितने कमल के डंठल हैं, उतने राज्यों की पूरी फौज हमारे साथ लड़ने को तैयार है। और ये रोटियों की खाली टोकरियां बता रही हैं कि गांव वाले सेना के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। अब बस 31 मई का इंतजार है। तात्या तोपे और नाना साहब ने तो अच्छे काम के लिए अंग्रेजों को भ्रमित किया था, जबकि कृष्ण ने सिर्फ एक गेम जीतने के लिए। एग्जैक्टली, इसीलिए जो उन्होंने किया वो स्ट्रेटजी थी और जो कृष्ण ने की वो चीटिंग। ओहो, अभी भी गेम पर ही अटके हो? स्टोरी आगे नहीं सुननी? आगे की स्टोरी मुझे पता है। जरूर नाना साहब और तात्या तोपे ने अंग्रेजों को धूल चटाई होगी। नहीं, उनका ये प्लान फेल हो गया। क्यों? कैसे? क्योंकि अंग्रेज जो कारतूस इस्तेमाल कर रहे थे उसमें सच में गड़बड़ थी। ये बात सैनिकों को पता चल गई और 31 मई से पहले ही मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया। उनकी मौत से बाकी सैनिक भड़क उठे और बिना सही मौके का इंतजार किए उन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियों में ही अंग्रेजी फौज के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। अगर सब लोग एक साथ मिलके एक ही दिन लड़ते तो अंग्रेजी सेना बट जाती और हमारे लिए जीतना आसान हो जाता। लेकिन सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे और कमजोर पड़ते जा रहे थे। यानी इतने महीनों की प्लानिंग, सारी तैयारियां फेल। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ ये हम बताएंगे, पर अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि कहानी लंबी है और मुझे लग रही है भूख।